The chair. The question our Sri Ramnath Thakur. Sri Ramnath Thakur ji. उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी, रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं। एक एक मिनट, जब आप रिप्लाई सभापटल पर रख दिया गया है, अब आप पूछे, पहला सप्लीमेंट्री पूछे। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय को ओवर ब्रिज बनाने के लिए बिहार राज्य में कितनी राशि बची हुई है? अध्यक्ष महोदय, बिहार में 2014 से 19 तक 1700 मानव रहित लेवल क्रॉसिंग गेट थे और बिहार के लिए 1900 आरओबी के बारे में कि कर्पूरी ग्राम में आरओबी सरकार बनाने वाली है क्या? राज्य सरकार से ऐसा कोई आरओबी बनाने का प्रस्ताव नहीं है। कर्पूरी ग्राम स्टेशन जो सोनपुर मंडल में आता है, उस 53 गाड़ियाँ उस स्टेशन से चलती है। अध्यक्ष महोदय, आरओबी बनाने का जो नियम है, अगर 1 लाख से ज़्यादा घनत्व है तो राज्य सरकार से 50% शेयर से वहाँ पर आरओबी बनाया जाता है, लेकिन इसका घनत्व 50,000 से कम होने के कारण यहाँ पर आरओबी कुछ बनाया नहीं। अध्यक्ष महाराज, बिहार के लिए आरओबी बनाने के लिए जो राशि सरकार ने दी है, मैं सदस्य को बता दूंगा। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय रामनाथ जी। माननीय उपसभापति महोदय, मेरे प्रश्न, पहले प्रश्न का तो जवाब मिला नहीं, राशि कितनी उपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, क्या कर्पूरी ग्राम ओवर ब्रिज के लिए उन्होंने सर्वे कराया है कि कितनी गाड़ियां जाती आती रहती है? उन्होंने जो समय सीमा दिया है 1 लाख का, क्या वहाँ सर्वे कराया है कि कितनी गाड़ियाँ वहाँ जाती हैं और आती हैं? क्या मंत्री महोदय यह बताने का काम करेंगे? धन्यवाद माननीय रामनाथ। अध्यक्ष महोदय, हमने सर्वे कराया है, 53 गाड़ियाँ वहाँ से आवाजाही करती है और 50,000 यूनिट ट्रैफिक घनत्व जो है आज के तारीख में वहाँ पर है। 1 लाख से अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आरओबी सरकार के साथ बात करके 50% शेयरिंग से वहां किया जाता है। धन्यवाद। माननीय नरहरि अमीन जी। माननीय उपसभापति महोदय, देश में पिछले 3 साल में कितने रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण हुआ, कितने ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के निर्माण का कार्य प्रगति में है और निर्माण के कार्य को समय सीमा में पूरा करने के लिए क्या कोई आयोजन विभाग ने किया हुआ है? एक बार में एक ही सवाल पूछना है अमीन साहब। कनेक्टेड है साहब उसके साथ। प्लीज माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, देश भर में जो आरओबी जो किए जाएंगे उसकी जानकारी मैं माननीय सदस्य को दूंगा, लेकिन आरओबी और आरयूबी बनाने की जो पॉलिसी मैं जो पहले बता चुका हूँ कि राज्य सरकार के साथ चर्चा करके हम आरओबी बनाते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आरयूबी ये रेलवे अपने खर्चे से बना देती है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 32, चौधरी सुखराम सिंह यादव जी। माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री चौधरी साहब। माननीय सभापति जी, मैंने किसानों के बारे में प्रश्न पूछा था और किसान आंदोलन पूरे देश में चर्चा रही, पूरी विदेशों में चर्चा इसकी रही। सरकार ने आश्वासन दिया था कि MSP के बारे में एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी इसका निर्णय करेगी किसानों के साथ किस प्रकार से इंसाफ हो, लेकिन क्या मैं जानना चाहूँगा
उस कमेटी का रूप क्या है और उस कमेटी में कितने लोग शामिल किए गए हैं और कब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि MSP के बारे में और कमेटी के बारे में इन्होंने जानना चाहा है। तो जैसा कि MSP की अगर बात करें तो MSP का जो कमेटी ने निर्णय लिया है उसके बारे में मैंने उत्तर में ही इनको स्पष्ट बता दिया है और उसके अंदर ये कहा गया है कि जब आने वाले जो समय के अंदर जो कमेटी है उसका जो तय होगा, और उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे MSP हुई तो MSP की हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट है कि हमें किसानों को मजबूत करना है। किसान के लिए ऐसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनी हैं, उन्हीं योजनाओं में से एक जो 2018 के अंदर हमने तय किया कि प्रधानमंत्री जी ने MSP को 1.5 गुना करने का निर्णय लिया, और 1.5 गुना करने के बाद में उस समय जो क्रॉप थी वो 12 क्रॉप थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 24 क्रॉप तक 22 क्रॉप अभी उस पर MSP मिलती है। अब जो कमेटी की बात है तो कमेटी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने 19 नवंबर को कहा था कि हम एक ऐसी कमेटी का रिफॉर्म करके और करेंगे जो कि आने वाले समय में किसानों के जो मुद्दे या जो MSP उसके ऊपर निर्णय हो, तो उसके लिए कमेटी के लिए हमने चुनाव आयोग को इसके लिए भेजा है, और चुनाव आयोग की जो कमेटी जो है वहाँ पर से प्रस्ताव आएगा तो उसके आधार पर हम आगे उसका निर्णय लेंगे, क्योंकि चुनाव कई राज्यों के अंदर अभी चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव को देखते हुए वहाँ से परमिशन मिलने के बाद में उस कमेटी का गठन होगा। धन्यवाद। दूसरा सवाल माननीय चौधरी जी। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जानना चाहूँगा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से किसान खेती में अपना पैसा खर्च करता है और जितना खर्च करता है लाभ उसके अनुसार नहीं मिलता है, क्या सरकार ऐसा कोई नियम बनाएगी कि लागत मूल्य से अधिक किसान को आय हो, और उसके बारे में अब तक क्या कार्रवाई की गई? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय जी, लागत से डबल या लागत से अधिक किसान को इनकम हो, इस दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि MSP जो निर्धारित की गई है वह MSP पहले किसान जो 2018 से पहले या उससे पहले जो MSP थी वो MSP जो लागत थी उसके लगभग उससे थोड़ी ऊपर थी कुछ जो क्रॉप थी उसमें, लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि किसानों के जीवन में हम उनको लाभकारी मूल्य और उससे अधिक कम लाभ दे सकें, तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर जो निर्णय था उसको हमने लागू किया और 1.5 गुना करते हुए, बैठकर सीट पर ना बोले, 1.5 गुना किया गया। और MSP पर जो मुझे खरीद की भी बताऊं तो मैं बताऊंगा आपको कि कितना परिवर्तन आया है। अभी जैसा कि पहले MSP की अगर बात करें धान की, तो 2013 में MSP पर 1310 रुपये थे, आज उसका 1940 रुपये MSP है। वहीं अगर बाजरे की बात करें तो 1250 रुपये थे, आज MSP है 2250 रुपये हो गए। ऐसे लगभग कुछ फसलों के अंदर तो 1.5 गुना MSP लागत से है, कुछ फसलों में 1.5 गुना से भी अधिक हमने किए, और इससे स्पष्ट साफ जाहिर होता है कि हमने जो किए उसमें खरीद में भी हमने बढ़ाया है। और आंकड़ों के 2000 गेहूं की अगर बात करें तो 2013-14 के अंदर टोटल जो गेहूं की खरीद हुई थी जो 250 लाख मैट्रिक टन हुई थी, वह 2021 के अंदर 390 टन की खरीद की गई। वहीं अगर दलहन और तिलहन में बात करें तो सिर्फ 0.55 लाख मैट्रिक टन थी, जो बढ़कर 21 लाख मैट्रिक टन होगी, जो 3,867 लाख मैट्रिक टन है, 3,08,059 लाख मैट्रिक। यू आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक फ्रॉम द सेट सिटिंग। जो MSP पर हम लगातार खरीद कर रहे हैं, देयर इज प्रोसीजर फॉर दैट, प्लीज रजनी जी, प्लीज नॉट अलाउ। लागत से 1.5 गुना के ऊपर निर्धारित करके और किसान से खरीद करने का भी काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसमें। माननीय सदस्यगण प्लीज, अगर किसी जवाब से आप संतुष्ट नहीं है तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में देयर आर वेज फॉर दैट, प्लीज अटेंड टू दैट, प्लीज। नो छाया वर्मा जी सर जी, प्लीज एक मिनट। छाया जी माननीय मंत्री जी कुछ करना चाहता हूँ। वैसे मंत्री जी ने जवाब विस्तार से MSP का भी दिया, कमेटी का भी दिया। सारे देश के ध्यान में है कि प्रधानमंत्री जी ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्राकृतिक पद्धति खेती
और एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। सरकार प्रधानमंत्री जी की घोषणा के प्रति प्रतिबद्ध है। कार्यवाही विभाग मंत्रालय में प्रचलित है। चूँकि चुनाव चल रहे थे इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग के सहमति के लिए लिखा था। चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कमेटी बनाने पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। छाया जी। सर, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं आपके माध्यम से, 2022 में आपने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी। आय तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन लागत, किसानों के लागत मूल्य बहुत बढ़ गए हैं कृषि में, तो लागत में पिछले 5 वर्षों में कितनी बढ़ोतरी हुई ये मैं जानना चाहती हूँ। धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय जी, माननीय सदस्य ने जैसा कहा है कि लागत में वृद्धि हुई है, जहाँ लागत में वृद्धि हुई है तो वहीं पर हमने एमएसपी पे भी लगातार हर वर्ष हमारी कमेटी है वो लागत एमएसपी के अंदर भी उसमें बढ़ोतरी करती है, और इसी की वजह से एमएसपी का हमारे उसके अंदर जो पैरामीटर है जिसके आधार पर हम तय करते हैं उसमें लागत को आधार मानकर और जितनी किसान की लागत आती है उससे 1.5 गुना से अधिक कराने का प्रावधान है, और प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री जी की बैठक अध्यक्षता में जो बैठक होती है उस बैठक के अंदर ये निर्णय लिया जाता है, उसी के आधार पर एमएसपी के आधार पर उस पर किसान को उसकी एमएसपी मिलती है। माननीय ब्रिजलाल जी। उपसभापति महोदय, मैं धान के किसानों के बारे में बात करना चाहता हूं, विशेषकर उत्तर प्रदेश के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन के वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन जी ने कहा है कि पैडी एंड पावर्टी गो टुगेदर, तो पैडी में जब तक क्वालिटी राइस का उत्पादन नहीं होगा तब तक किसानों की आय नहीं बढ़ेगी। महोदय, उत्तर प्रदेश में क्वालिटी राइस है एक बासमती, 24 जिलों में पैदा होता है, और उसके लिए BDF है, बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन। उत्तर प्रदेश में एक राइस है काला नमक, भगवान बुद्ध के सवाल पूछे ब्रिजलाल जी। सवाल ये सर, काला नमक राइस के लिए क्या माननीय मंत्री महोदय KDF काला नमक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन बनाने का करेंगे, जिससे काला नमक धन्यवाद ग्रोवर हैं उनको फायदा। धन्यवाद। माननीय उपसभापति मोदी जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि काला नमक की बात की है, ICR के द्वारा लगातार ऐसी कई वेराइटियाँ हैं जो नई वेराइटियाँ आ रही है जिससे किसान की यील्ड बढ़े और उसमें क्वालिटी भी हो, तो इस दृष्टि से काला नमक की बात है तो इन्होंने जो की है तो इसके ऊपर भी निश्चित रूप से हम यही कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी वेराइटी है वास्तव में, और काला नमक उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी वहाँ के लोगों की प्रचलन भी है, तो काला नमक के लिए बिल्कुल वो वेराइटी अपने आप में बहुत अच्छी है, तो इसलिए मेरा यही कहना है कि इसके लिए ICR है वो हर समय ऐसी नई वेराइटियाँ और ऐसी वेराइटियों को ईजाद करने के लिए प्रयास करती है, और इसके लिए भी हम यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छी वेराइटी है और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर अमर पटनायक जी। थैंक यू सर। दी मेन पॉइंट इन दी MS स्वामीनाथन कमिटी रिपोर्ट इज हाउ डू यू कैलकुलेट दी MSP। इवन बिफोर लीगलाइजिंग MSP, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ डू यू कैलकुलेट MSP, वेदर इट इज गोइंग टू बी A2 प्लस FL, दैट इज फैमिली लेबर, और इट इज गोइंग टू बी द एंटायर कंपोजिट कॉस्ट विच इज C2। द गवर्नमेंट शुड मेक इट वेरी क्लियर वेदर दे आर गोइंग टू अडॉप्ट C2 एज द प्राइस एंड देन कैलकुलेट the 150% extra, number one. So in continuation, sir, unless we do that, the farmers will not only not be able to increase their income, but will leave farming. That is the main point. They will be winning away from farming. Please, question. Thank you. Question is, that's the question, sir. Thank you. Maniya Upsabhapati ji, jaisa ki C2 aur A2 ki baat ki hai, जैसा कि अभी MSP जो निर्धारित की जाती है वो A2 प्लस FL के ऊपर करके, ताकि किसानों को जो उनकी वास्तविक लागत है या उनका जितना भी खेत के अंदर कॉस्ट आती है उन सबको जोड़कर इसके आधार पर एक कमेटी फॉर्म करके उसकी निर्धारित करती है, तो उसके अंदर जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश और उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ही ये एक फार्मूला बनाया गया, और उस फार्मूले के ऊपर उसकी कॉस्ट जो आती है उसके ऊपर किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट है कि किसान को किसी भी तरह से उसको नुकसान नहीं हो, इस दृष्टि से ये लागू किया गया, और MSP को 1.5 गुना करने के पीछे हेतु भी यही है,
और जैसा कि इसके साथ ही किसान सम्मान निधि का पैसा है वो देना या उनको एफपीओ बनाकर कैसे स्ट्रेंथ करें, इन सारी दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से किसान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हम सबके महत्वपूर्ण और हमारे प्रमुखता में है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 33 श्रीमती झरना दास वैद्य जी। The answer is laid on the table of the house. First supplementary, Jharna ji. Sir, thank you, sir. My first supplementary, गतो 5 वर्षों में सरकार ने कौन कौन सी सोशल मीडिया कंपनी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है वो मैं मंत्री से आपका माध्यम से मंत्री से जानना चाहती हूँ। सांसद महोदया ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है माननीय सभापति जी। सोशल मीडिया आज ऑल प्रेविलेंट है हमारी लाइफ में, सोशल मीडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंस है। सोशल मीडिया को किस तरह से सेफ बनाना है, अकाउंटेबल रखना है, किस तरह से हमारे जो नौजवान सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं कभी कभी उसमें उसका मिसयूज़ भी हो जाता है, वो कैसे रोकना है, इसके लिए सरकार ने 2021 में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंटरमीडियरी रूल्स का प्रस्ताव रखा था और उसको गाइडलाइंस को इश्यू किया था सर। उसके हिसाब से 5 इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं। सबसे पहला है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो कि रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। सेकंड, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए जो कि रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तीसरा, ग्रीवेंस ऑफिसर, किसी की भी कोई ग्रीवेंस हो उसको रखने के लिए वो भी रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। फिजिकल कम्युनिकेशन एड्रेस होना चाहिए इंडिया में और मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट होना चाहिए। तो आपने जो प्रश्न पूछा, करीब आपके प्रश्न के हिसाब से करीब करीब जितने सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उन सब का मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट आता है और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो और भी कई सांसद साथियों ने पूछे हैं। जैसे ही कोई पॉइंट हमारे नज़र में आता है, संज्ञान में आता है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाता है। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। यस सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी है, क्या सरकार के प्राप्त जो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वो अन्य सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा प्राप्त व्यक्तिगत डाटा मंत्री जी के पास उपलब्ध है तो मेरा कृपा करके बताइए। सभी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को हर महीने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट अपने प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करनी होती है। तो हम उसको रिपोर्ट को अपने पास नहीं मंगाते, पब्लिश करें जिससे कि एक ट्रांसपेरेंट वे में सभी नागरिक उसको देख सकें, समझ सकें और किसी को कोई भी अगर ग्रीवेंस हो, अगर कोई भी पॉइंट हो तो उस पॉइंट को ग्रीवेंस ऑफिसर के पास भी रेज कर सके। इसीलिए जो जिन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज का आपने नाम लिए उन सब की मेटा, फेसबुक जो पहले था, ट्विटर, जो भी आपने नाम लिए, इन सब की कंप्लायंस रिपोर्ट्स में डाउनलोड करके लेके आए हूँ, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू। माननीय सुशील कुमार मोदी जी। महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या बात सही है कि IT डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम टू फॉर्म अ हाई लेवल कमिटी टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स दैट अ फ्यू वेबसाइट्स हैड होस्टेड डॉक्टर ल्यूड पिक्चर्स and objectionable comments aimed at insulting and auctioning Muslim women. तो ऐसे websites के खिलाफ में या वैसे लोगों के बारे में क्या कार्रवाई की सरकार ने, यह मैं जानना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत ही संवेदना वाला विषय है और महिलाओं की सुरक्षा, protecting the dignity of women, ये हमारे लिए एक fundamental construct है। किसी भी तरीके से इसमें हम कोई compromise नहीं कर सकते और उसमें कोई भी रिलीजन, आप सुनिए ना प्लीज़, कोई रिलीजन की बात नहीं है, कोई क्षेत्र की बात नहीं है, ये हमारे लिए किसी भी तरीके से ये हमारा कमिटमेंट है। जितने भी अभी तक पॉइंट आए उन सब पॉइंट्स पे तुरंत कार्रवाई की गई है। एक एक जितनी हमारी जानकारी के हिसाब से आते ही उस पर कार्रवाई की। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इस सदन में रखना चाहूँगा माननीय सभापति जी। हम जब भी सरकार की तरफ से सोशल मीडिया को अकाउंटेबल बनाने के लिए कोई भी कदम उठाते हैं, सबसे पहले हमारे ऊपर आरोप हमारे साथी लगाते हैं विपक्ष के कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहीं ना कहीं उसके ऊपर आहत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें सोसाइटी में एक बैलेंस लाना ही पड़ेगा, एक कंसेंसस लाना ही पड़ेगा
कि जो हमारे भविष्य के नौजवानों के, हमारी महिला, हमारी बहनों, हमारी माओं, हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए जो करना है, अकाउंटेबल सोशल मीडिया को करना ही पड़ेगा। उसको अगर सेफ रखना है तो उसको उन नियमों को और ताकत देनी पड़ेगी। उसके लिए हमें, अगर हमारे ऊपर अगर आप ये आरोप लगाएंगे कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को तोड़ रहे हो, वो रोक रहे हो, तो वो गलत आरोप है। वैसा नहीं करना चाहिए। हमें सब मिलके हमें एक नई दिशा में जाना होगा। धन्यवाद। माननीय अब्दुल वहाब जी, माननीय अब्दुल वहाब जी, प्लीज 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 प्लीज, इट्स अ क्वेश्चन क्वेश्चन मैडम, यू हैव नॉट गिवन योर नेम। प्लीज प्लीज प्लीज, नो नो, देयर इज अ प्रोसीजर, प्लीज। मैं मुद्दा उठाया था मंथ ऑफ जुलाई में उठाया था। इट हैज नथिंग टू डू विद फ्रीडम ऑफ स्पीच सर, इट इज अबाउट सेफ्टी ऑफ विमेन इन डिजिटल स्पेसेस। आई हैड स्पेसिफिकली मेंशन दीज टू इश्यूज, पर कहीं भी इस लेटर में, और मैं ये लेटर लेकर आई हूं अश्विनी वैष्णव जी का, आई रिस्पेक्ट हिम ट्रेमेंडसली, आई रिस्पेक्ट हिम ट्रेमेंडसली, बट द क्वेश्चन इज ही इज नॉट इवन मेंशनड इट वंस। थैंक यू। एंड देयर वाज नो इन्वेस्टिगेशन। माननीय अब्दुल वहाब जी, सर आपका सवाल। अगर बस्टीज ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म सच एज नेटफ्लिक्स, Amazon एंड Hotstar, whether the government is proposing any bill to oversight mechanism over the digital and OTT platform in the wake of its rapid prevalence. Sir, OTT or digital platforms ke liye already social media intermediary guidelines rules jo 2021 ke hain usme already uske pravadhan hai, aur jo point Priyanka ji keh rahi thi, mani Priyanka ji keh rahi thi, main unka bahut samman karta hu, unhone bahut wajib point uthaye the, hamare mantralay ne तुरंत हर एक पॉइंट पे एक्शन लिया है। सर ये रिकॉर्ड की बात है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, आपने भी एक्नॉलेज किया इस बात को। हर एक पॉइंट पे तुरंत ही एक्शन लिया गया है, और एक्शन भी केवल सरफेस पे नहीं सर, उसके डीप में जाके, हर एक पॉइंट पे डीप में जाके, सर्टिन का, जैसा भी माननीय सांसद श्री मोदी जी कह रहे थे, डीप में जाके सर्टिन का इस्तेमाल करके उसका, जहाँ तक उसका सोर्स है, रूट कॉज है, वहाँ तक जाके एक्शन लिया गया है। धन्यवाद। माननीय आनंद शर्मा जी, प्लीज प्लीज, कहा ना सर आपका रूल्स में है। प्रिंसिपल मिनिस्टर हैज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ सोशल मीडिया। हाउएवर द चैलेंजेस रिमेन, एंड दैट इज हाउ द टेक्नोलॉजी कैन बी टर्म्ड एज अ डबल एज्ड वेपन, देयर पॉजिटिव यूजेस एंड वेरी डेंजरस अब्यूजेस ऑल्सो, सम ऑफ विच हैव बीन रेफर्ड टू। यू हैव इन पार्ट सी ऑफ योर रिप्लाई mentioned about the implementation of the rules and the appointment of the chief compliance officer, grievance officer and nodal persons of contact. However, is there a verification process to check how effectively they are functioning? Two, the WhatsApp groups are created and WhatsApp groups spread insidious messages, they inflame passions, they create rioter situations, and I'm sure that the government is aware of that. I have personally on occasions written, I have tried to contact these compliance officers, I have spoken to the secretary in your ministry personally, not through my office, but they have failed to check. I'm not blaming you, because these portals, they refuse to give you the details of the portals. So in such situation, will you have a centralized control room which can take effective action and also to block the misuse of such apps if required? Because we have referred about the freedom of expression, freedom of speech. Article 19 is very clear. It's not unrestricted. There are exceptions for the commercial media, and there are question Mani Anand ji going back. Question. I've asked the question. Yes, please. Thank you. Honorable Chairman, sir, if the House has consensus, we are willing to provide even more stricter social media rules. Definitely, and I personally believe that for the protection of our citizens, we must make the rules stricter. At this point of time, we are working within the constitutional framework. So your point, the role of state and the role of center, both have to be seen in the perspective. The law enforcement agencies of the state governments, they are taking the action based on the information which goes either from CERTIN or from MIT or any other agency. There is a framework created for entire any cyber crime which happens all over the country. It can be reported over a central portal.
and it goes to the relevant law enforcement agency. But I agree with you that we have to come forward as a society and create much more accountability for the social media. Thank you. Question number 34, Dr. Sasmit Patra. Prashna Sankhya 34. Uttar Sabha Patal par rakhiye. First supplementary. Maniya Adhyaksh Mahoday, Swaminathan Commission report ke recommendations ko purn rang se, purn tarah se karyarat karne ki avashyakta hai. Maniya Mukhyamantri Shri Naveen Patnaik ji ne bar bar is par zor diya hai aur Kendra Sarkar ko bhi jataya hai. और इसी संदर्भ में उनके ही इसी सोच से इसी आवेग से ये प्रश्न आती है. मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी को कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट 2004 में कंस्टिट्यूट होती है वो कमिटी, और उसके बाद उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए. इन रिकमेंडेशंस में से कौन से रिकमेंडेशंस को ग्रहण किए गए और कौन से रिकमेंडेशंस को काट दिए गए, और वो कारण क्या है जिसकी वजह से ये रिकमेंडेशंस को काट दिए गए. धन्यवाद. उपसभापति महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में से कितने रिकमेंडेशन को स्वीकार किया, कितना काट दिया गया. ये आयोग का जो गठन हुआ था 2004 में हुआ, और उसके बाद में इस स्वामीनाथन कमेटी ने 2006 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और 2007 में अंतर मंत्रालय की एक कमेटी गठित की गई जिसमें 11 मंत्रालय थे. उन्होंने मिलकर जो 215 रिकमेंडेशन थी उनमें से 201 को स्वीकार किया, और उसमें से भारत सरकार ने, अभी वर्तमान की सरकार ने 200 रिकमेंडेशन के ऊपर काम प्रारंभ कर दिया, उनको अडॉप्ट कर लिया और स्वीकार कर लिया. वहीं रही बात ऐसी, जो 215 में से जो 14 रिकमेंडेशन जो थी जो अस्वीकार की गई, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस समय ऐसा निर्णय उस कमेटी ने क्यों लिया. आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा ही MSP है, लेकिन स्वामीनाथन जी ने उस समय MSP के ऊपर कहा था कि MSP किसान की लागत से कम 50% से अधिक किसान को मिले. लेकिन उस समय की कमेटी ने यह कहा कि सरकार ने विकृति उत्पन्न होने का कारण देते हुए इसको अस्वीकार कर दिया, अमान्य कर दिया कि MSP का 1.5 गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रिकमेंडेशन को माना जो उस समय उसकी कमेटी ने अस्वीकार किया. अब MSP के ऊपर खरीद हो रही है, और वो भी 1.5 गुने के ऊपर खरीद हो रही है. अब दूसरा मुझे इसमें एक और है कि उस समय मंत्रालय का नाम भी स्वामीनाथन जी ने कहा कि कृषि कल्याण मंत्रालय होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस समय इसको भी अस्वीकार इसलिए किया कि कल्याण करने का काम अन्य मंत्रालयों का है, किसान कृषि मंत्रालय का नहीं है. लेकिन भारत सरकार ने उसका नाम भी कृषि कल्याण मंत्रालय रखा गया. और उसके बाद में जहाँ तक खाद्य गारंटी की बात है, तो वो भी उस समय खाद्य सुरक्षा की खाद्य गारंटी अधिनियम बनाया जाना चाहिए, लेकिन अस्वीकार किया गया. हमारे खाद्य सुरक्षा के तहत आज भी उनके सभी किसान व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार कर रहे हैं. उस समय ये भी हुआ कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात थी, तो उस समय भी इस ऑर्गेनिक खेती या जीरो बजट इसको या उस खेती को भी बढ़ाने के लिए उसमें उस समय अमान्य किया गया था. लेकिन हमने परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत सरकार ने स्कीम भी लागू की, और किसानों को उसको बढ़ावा देने के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है. अभी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने कहा कि हमें जीरो बजट या प्राकृतिक खेती की ओर जाना है. वहीं जो दूसरा एक ये है कि इसके अंदर ये भी हुआ कि PDS को यूनिफाई करने की बात कही थी, उन्होंने उसको भी अस्वीकार किया. वहीं महिला समूहों को उस समय स्वामीनाथन जी ने कहा था कि महिला समूहों को और महिलाओं को किसानों को किस तरह से हम आगे बढ़ें, पर उस दिशा के अंदर भी उन्होंने उस समय महिला के विषय पर भी अमान्य इसको अस्वीकार किया. लेकिन अभी हमारी सरकार के द्वारा FPO बनाए जा रहे हैं जो स्पेशल महिलाओं के लिए बन रहे हैं, या महिला किसान उनको, और उसके साथ ही महिला किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, और ऐसे कई और भी हैं जो टोटल मिलाकर, जैसा कि डायरेक्ट बेनिफिट की बात है तो इसमें माननीय मंत्री जी की गई, कृपया ब्रीफली आंसर दे. किसान सम्मान निधि के तौर पर डायरेक्ट किसान के खाते में 6,000 रुपए देने का भी प्रावधान किया गया. ये सारी जो मैं बोल रहा हूँ माननीय मंत्री जी, ब्रीफली आंसर दे प्लीज. सेकेंड सप्लीमेंट्री. महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है. माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि एक एक्शन पॉइंट अभी भी छूटा हुआ है, वो है मॉडल जीनोम क्लब हर राज्य में होना चाहिए RKVY के माध्यम से.
तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक ये जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस का एक अंग है कि मॉडल जीनोम क्लब हर राज्य में हो आरकेवीवाई के माध्यम से, अभी तक ये क्यों नहीं हुआ है और कब तक होने की आशा है? धन्यवाद। जैसा कि आईसीआर के अंदर वैसे तो जीनोम बैंक बना हुआ है पूरे देश का, आज विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरे नंबर का जीनोम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्वामीनाथन जी की रिकमेंडेशन थी उसके अंदर ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका एक जीनोम बैंक बने जहाँ पर वैरायटी वो वहाँ पर सुरक्षित रह सके। इसके लिए भी हमने, भारत सरकार ने यहाँ पर आरकेवीवाई योजना के अंदर प्रावधान कर दिया है, जो भी राज्य अगर इसके अंदर इस फंड का इस उपयोग लेना चाहे आरकेवीवाई योजना के तहत, तो वो वहाँ पर जीनोम बैंक की स्थापना कर सकता है। ये अभी इसको स्वीकार, इसके अंदर कोई राज्य अगर करता है तो उसके लिए इसमें फंड में प्रावधान भी है। धन्यवाद। माननीय रिपुन बोरा जी। हाँ माइक काम, वहां आ जाए, आप सर गलत जगह रहे होंगे इसलिए माइक काम। थैंक यू सर। सर लास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट वन सप्लीमेंटरी बात। I am fortunate enough, this time my turn has come. Just to clarify, so, people come, just to clarify, if there are other members from your party, I have to see all of them. Anyway, please, sir, no issue. Please. So just my question is to the Honorable Minister. The India replied, the Minister has said that the Swaminathan Committee has recommended all total 201 recommendations, and out of that, government has already taken action and 200. But in the reply, it is written here, but in the reply, Minister has said that all total 215 recommendations have been made, and out of that, 14 is yet to be implemented. So why this difference? Why this difference is there? So I want to know from the Minister. Thank you, Vipunji. Ji, Modi ji, yeh jo recommendation thi, वो स्वामीनाथन आयोग में स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें तो 214 रिकमेंडेशन पेश की थी, लेकिन जो अंतर मंत्रालय की कमेटी थी 2007 में उसने निर्णय लिया कि इसका ऊपर हमें कुछ और कम करने चाहिए, तो कम करने के लिए उन्होंने कौन सी अडॉप्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी है रिकमेंडेशन को, तो उसमें उन्होंने जो कम की वो मैंने अभी आपको बताई है मेरे पहले, और उसी को लेकर आज भारत सरकार ने उसके बाद में भी, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उस कमेटी ने अस्वीकार किया उसके बावजूद भी इसको स्वीकार करते हुए उसके ऊपर कई ऐसे बिंदु हैं जिन पे काम किया गया, जिसमें मैंने एमएसपी का आपको उदाहरण दिया। माननीय कनक मेदला रविंद्र कुमार जी। हाँ, यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन। सर, यस प्लीज। सर, इन रेस्पेक्ट ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज कंसर्न्ड, ये आंध्र प्रदेश इज एन एग्रेरियन स्टेट and most of the farmers are depending on paddy culture, and due to the present scenario after 2005-19, there are so many suicides committed by the farmers due to lack of minimum support price and also storage capacity in the state of AP, and suicides are increased. Now our honorable CM advised not to raise paddy crop. If that is so, what steps you have taken to prevent the suicides, whether there is any proposal to increase the minimum support price for the welfare of the farmers? Thank you. Maniya Sabhapati ji, sadasya ki chinta nishchit roop se kisanon ke prati hai. Main aapke madhyam se sadasya ko ye kehna chahta hu ki kul mila ke kisan kisi bhi jins ko paida karta hai, us jins ka wajib daam use milna hi chahiye. इसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी है, सरकार की खरीद की व्यवस्था भी है। गेहूं और धान पहले से अधिक मात्रा में खरीदा जा रहा है, अब दलहन और तिलहन इनको भी खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही साथ मोटे अनाज को भी कोई राज्य अगर PDS में शामिल करके अपने उपभोक्ताओं को बांटना चाहता है और वो केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करता है कि हम PDS मैं हम इसे बांटेंगे तो मोटा अनाज खरीद लिया जाए, तो केंद्र सरकार उसको भी अनुमति प्रदान करती है। जहाँ तक MSP का सवाल है, पहले भी यह बताया जा चुका है कि कुल मिला के लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर
MSP घोषित करने का निर्णय सरकार ने 18-19 में लिया, उसका लाभ पूरे देश के किसानों को 22 जिनसों पर मिल रहा है और लगातार सरकार की ये कोशिश है कि कुल मिला के MSP पर दाम मिलना एक पक्ष है, लेकिन किसान को फायदे में लाना उसकी चौतरफा मदद करनी चाहिए। इसलिए PM किसान योजना, FPO, 1,00,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सब इसीलिए प्रावधान किए गए हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और किसान की ज़रूरत है वो गांव में उसको नज़दीक मिले, जिससे फसल के उपरांत जो उसका नुकसान होता है वो उस नुकसान से बच सके और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर सके। इसलिए चौतरफा प्रयत्न किए जा रहे हैं किसान की समृद्धि के लिए। धन्यवाद। माननीय प्रसन्नाचार्य जी, there are two views. Government says that it is implementing the Swaminathan Commission so far the MSP recommendations are concerned, but the farmers in the country do not agree to this. And one of the demand of the agitating farmers were to give a legal protection to MSP. I would like from the Honorable Minister, the Cabinet Minister himself present here, whether the government is considering to bring a bill in this house to give a legal protection to MSP so that any violation of MSP will be subject to legal action. Thank you. सभापति महोदय, आचार्य जी ने MSP की बात की है, मैं आपके माध्यम से देश भर को बताना चाहता हूँ कि 18-19 से पहले कोई ऐसा बड़ा मैकेनिज्म नहीं था जिसको MSP को समय समय पर परिमार्जित किया जाए या किसान के लिए लाभकारी बनाया जाए। स्वामीनाथन साहब ने जो रिकमेंडेशन की, उन रिकमेंडेशन में भी 14 रिकमेंडेशन ऐसी थी जिसको अंतर मंत्रालयीन समिति ने उपयुक्त नहीं पाया। उसमें MSP पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित की जाए, ये भी एक रिकमेंडेशन थी जिसे नहीं माना गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको बाद में आने के बाद 18-19 में स्वीकार किया और निश्चित रूप से MSP अब बढ़कर मिल रही है। और MSP भारत सरकार का प्रशासनिक निर्णय है, ये निर्णय अनेक वर्षों से चल रहा है और पिछले 7 वर्षों में MSP पर जिन्सों की खरीद भी बढ़ाई गई है और MSP को पहले से दोगुने दाम दिए गए हैं और अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ उसमें भी 2,37,000 करोड़ रुपया किसानों को लाभकारी मूल्य के लिए दिया जाए, ये भी प्रावधान किया गया है। जहाँ तक गारंटी कानून का सवाल है तो मैं सदस्य को और देश को और किसान संघों को ये कहना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी ने इन सब विषयों पर विचार करने के लिए, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, चाहे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, चाहे नेचुरल फार्मिंग हो, चाहे MSP को प्रभावी और पारदर्शी बनाने का मामला हो, इस पर एक समिति बनाने की घोषणा की है जिसमें किसान भी होंगे, अर्थशास्त्री भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे, सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। ये कमेटी जैसे ही विधानसभाओं के चुनाव निवट जाएंगे कमेटी के बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा और वो कमेटी जो रिकमेंडेशन करेगी उस पर सरकार विचार करेगी। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 35, माननीय श्री नीरज गांगी जी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री सर, क्या यह सही है कि NMI के आंकड़ों के अनुसार सिरेमिक ग्रेड चाइना क्ले का देश के कुल भंडार का 19% भंडार राजस्थान में है? यदि हाँ तो भारत सरकार द्वारा राजस्थान में सिरेमिक उद्योग स्थापित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं? प्रश्न मूल प्रश्न के साथ इसका संबंध नहीं है, लेकिन बिल्कुल है, ये बताइए जरा कैसे है, हम भी देख लें। प्रश्न के साथ, मूल प्रश्न के साथ सिरेमिक का तो विषय भी नहीं है आपके प्रश्न में, लेकिन ये सभी को ये जानकारी है कि सिरेमिक गुजरात, राजस्थान वगैरह में काफी अच्छी मात्रा में, सर उद्योग राजस्थान में स्थापना करने की बात है, उसी से कनेक्टेड है प्रश्न। हाँ, तो उद्योग के ऊपर मैं आ रहा हूँ, पर मैंने कहा सिरेमिक का जिक्र नहीं, राजस्थान और गुजरात दोनों में सिरेमिक के अच्छे डिपॉजिट्स होने के कारण कई इंडस्ट्रीज दोनों राज्यों में आई हैं। लेकिन जैसा मैंने जवाब में बताया, केंद्र सरकार अलग अलग योजनाओं से अलग अलग इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम्स, योजनाएं समय समय पर लेके आती है, लेकिन कौन सी इंडस्ट्री कहाँ लगना,
किसने लगाना, लोकल लेवल पे क्या उसको प्रोत्साहन देने के लिए करना, ये राज्य सरकार का विषय है और राजस्थान राज्य सरकार इसमें पहल करे तो मैं समझता हूँ कि स्वागत योग्य होगा। हर प्रदेश ने अपने अपने एरिया में कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट पकड़ के, कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मूलतः इंडस्ट्री का बड़ा प्रभाव है उसको प्रोत्साहन दिया है। जैसे गुजरात में मोरबी में बहुत बड़े पैमाने पर सेरामिक इंडस्ट्री ग्रो करी है, वो कोई केंद्र सरकार उसके लिए योजना नहीं बनाती है, राज्य सरकार प्रोत्साहन देती है, राज्य सरकार उद्यमियों को एनकरेज करती है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय सांसद ने राज्य सरकार से बात करके किस प्रकार से वो भी, क्योंकि सेरामिक की डिमांड बहुत है, विश्व भर में डिमांड है, भारत के सेरामिक प्रोडक्ट्स आज हजारों करोड़ के देश के बाहर एक्सपोर्ट भी निर्यात भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर राजस्थान इस पर चिंता करे तो बहुत स्वागत योग्य होगा और संभावनाएं भी अच्छी हैं राजस्थान। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है, पुनः वही क्ले पे है। क्या यह सही है कि देश में काओलिन जो चाइना क्ले है का प्रसंस्करण ज़्यादातर पारंपरिक तरीकों जैसे लेविगेशन और धुलाई द्वारा किया जाता है? यदि ऐसा है तो भारत सरकार भविष्य में प्रोसेस्ड काओलिन की मांग को पूरा करने के लिए हाईटेक प्रोसेसिंग स्थापित करने के क्या प्रयास कर रही है? ऐसा है कि जैसा मैंने पहले कहा, केंद्र सरकार एक प्रकार से योजनाएं अलग अलग जनरल स्कीम्स बनाती है जिसके आधार पर लोग अपनी इंडस्ट्री किधर लगाना क्या लगाना तय करें। उदाहरण के लिए राजस्थान में आपने सेरामिक की बात कही तो जयपुर में ब्लू पॉटरी काफ़ी बड़े पैमाने पे चलती है, इसी के हिसाब से नागौर में मखराना मार्बल का अच्छा प्रभाव है। तो अलग अलग क्षेत्र में लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हो उसके लिए केंद्र पूरे देश भर के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से प्रोत्साहित करती है कि उस डिस्ट्रिक्ट में उस प्रोडक्ट को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत क्या प्रोत्साहन देना जिससे वो इंडस्ट्री वहाँ पे और बढ़े वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी है, काम भी है। केंद्र सरकार का जहाँ तक सवाल है कि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए हम रोडटेप स्कीम या ROSCTL के माध्यम से जो जो स्टेट के टैक्सेस बर्डन होते हैं या उस प्रोडक्ट पे लगते हैं उसको वापस देने का काम केंद्र सरकार करती है जिससे निर्यात को प्रोत्साहन हो। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 14 क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने अनाउंस किया, जिसकी जानकारी सभी के समक्ष है, मैंने उत्तर में भी दी है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो, टेक्सटाइल हो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए 76,000 करोड़ की स्कीम, शायद पहली बार देश में इतनी बड़ी स्कीम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की आई है जिसमें भी सेरामिक का इस्तेमाल होने की संभावना है। तो मैं समझता हूँ अब केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं सामने हैं, उसमें अब प्रदेश आपस में कितना जल्दी उस इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी स्कीम्स लाते हैं उससे तय होगा कि इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट होगी। उदाहरण के लिए एक टेक्सटाइल का बताना चाहूँगा माननीय सदन को आपके माध्यम से कि हमने टेक्सटाइल में PM मित्र इस नाम की एक स्कीम लाए हैं जिसमें 7 टेक्सटाइल के बड़े पार्क्स हजार हजार एकड़ के बनाने जा रहे हैं। अब उसमें हमने राज्यों के बीच में एक स्पर्धा बनाई है कि राज्यों के बीच में स्पर्धा हो कौन से राज्य टेक्सटाइल क्षेत्र को ज़्यादा अधिक प्रोत्साहन देने के लिए आगे आते हैं, ज़मीन सस्ते में या बिना शुल्क के उपलब्ध कराते हैं, कौन से राज्य बिजली कम कीमत पे लंबे अरसे तक देते हैं। तो अलग अलग तरीके से राज्यों के बीच में स्पर्धा हो और उस स्पर्धा में से हम तय करें कि कहां पे ये टेक्सटाइल प्रमोशन पार्क है। धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान। थैंक यू चेयरमैन सर। हाँ, आई विश टू आस्क लोकसभा सर। हाँ, फ्रॉम लोकसभा। सो आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर दैट डिस्पाइट अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड टू लेसन ट्रेड डिफिसिट there has been a decline in budget on export promotion schemes. How does the government plan to solve this problem with particular reference to Rajasthan industry? I think that's a very good question, but I have been on record on more than one occasion to say that no country in the world
can survive beyond a point of time only on clutches when it comes to export promotion. India, over a period of time, has been promoting exports through subsidies, but that has not really given us the desired result or given us the huge impetus that one would have expected. In fact, the reality is that every nation has certain products, certain services, which are our strength area. Every theory in the world says that one should focus only on industries where you have competitive or comparative strengths. And those should be the products on which we focus our exports. India has moved more into an interconnected world where such subsidies are actually not even permitted under the WTO. We've had instances of India also being taken before the WTO on export subsidies. And therefore, our approach is that we reimburse the taxes or cesses or duties that are loaded on the product by the states. As far as the central government is concerned, usually most products are under the GST, so it automatically gets refunded when you export the product. But should there be any other tax which is levied on any export product or which is not moderatable or reversible in the form of refund, we are giving back to the exporters in the form of a ROTEP scheme, which is the remission of duties, taxes, and levies and cesses. And we have found very good acceptance of this scheme across the country. Based on that, exports have also been growing. And while Honorable MP feels that we have reduced our export subsidies, the reality is this year India is going to see a record performance in exports. We have already, up to 31st March, crossed $334 billion of exports, which is higher than any full year ever in the past. And we are well on track to go to $400 billion export in the current year. My compliments to all the exporters, all the industry participants, including from the state of Rajasthan, who have contributed in a big way. I would urge all the states to support economic activity through exports, because truly export promotion is the way by which we'll be able to get more and more jobs in the system, more and more economic activity. I think it is the collective effort of the center and the states, and we are finding very good traction across the country working together. Thank you. Question number 36, Mani Kailas Soni ji. Question number 36. Table of the house. First supplementary, pehla supplementary. माननीय मंत्री जी, देश के बहुत सारे रेल मार्ग ऐसे हैं जो लाभप्रद नहीं हैं, जो बनाए गए हैं यहाँ बुंदेलखंड एवं अनुसूचित जनजाति का बहुत बड़ा क्षेत्र गोंडवाना, लगभग 5000 ग्राम जो है रेल कनेक्टिविटी से वंचित है, तब ये मार्ग क्यों नहीं बनाया जा सकता? थैंक यू। माननीय सांसद महोदय का जो सेंटिमेंट है उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और मध्य प्रदेश में अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी आपके माध्यम से सभी के सामने जानकारी रखना चाहूँगा। रेलवे के लिए मध्य प्रदेश में 2009 से 14 में मात्र 632 करोड़ पर एनम एलोकेशन होता था, बढ़ा के 2014 से 19 4213 करोड़ किया गया, जो कि बहुत बड़ी संख्या थी। और 22-23 में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, रिकॉर्ड एलोकेशन किया गया मध्य प्रदेश के लिए 12110 करोड़। आपके आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में जो आपकी इमोशन है वो मैं उसको संवेदनशीलता के साथ लेता हूँ, और माननीय सांसद महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि मेरे साथ बैठे और डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। अगर कोई संभावना निकलती है अनवायबल प्रोजेक्ट को आगे ले जाने की, तो संभावना पर मिलकर हम विचार करेंगे। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय सोनी, एचबी कामत ने इसको बुंदेलखंड का दरवाजा कहा करेली सवाल, और साउथ की दूरी इतनी कम हो जाएगी कि आपकी लागत 4-5 वर्षों में वसूल हो जाएगी। सवाल पूछे, ये ऑलरेडी एनएचएआई से लगा हुआ हिस्सा है और ये लोकोपयोगी है, इससे साउथ की दूरी बहुत कम हो जाएगी। अभी करेली से पॉइंट्स माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री पर जब आप बात करें तो चर्चा करें, सवाल पूछिए। आपके आपके जवाब जवाब के हिसाब से करेली से अभी इटारसी से जुड़ा है, जहां 12 घंटे का समय लगता है, सीधे 3 घंटे का समय लगेगा।
इसलिए ये अत्यंत लोकोपयोगी क्यों नहीं बनाया जा सकता। धन्यवाद माननीय सुनील जी, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सजेशन थे उनके। माननीय जवाहर सरकार जी, थैंक यू सर। सिंस द क्वेश्चन इज ऑन रेलवे लाइंस विद इन मध्य प्रदेश, मे आई आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द हाउस हाउ मेनी रेलवे स्टेशन हॉल्ट्स हैव बीन पुट ऑन होल्ड इन द नेम ऑफ कोविड। यू सी इट्स कोविड हैज गॉन थ्रू, वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन द नेम ऑफ कोविड। But one of the things that the railways is trying to do is to bring in economy by stopping smaller stations. You have put your that question. That cannot please. Be a permanent. That is a social obligation. You have put your question, Jawar sir. Thank you. And that would apply to the rest of India. Please. Asked a question which is not related with the main question. Yes. I can send the data as and when we can meet and discuss it, sir. Thank you. Mani Ajay Pratap Singh, question Madhya Pradesh se hai. इसलिए आपके सवाल इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड होने चाहिए। माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना बहुत पुरानी परियोजना है। इसका रेल खंड जो सीधी से सिंगरौली, इसका पहले अलाइनमेंट सीधी से बरगवा तय किया गया था, बाद में इसको परिवर्तित करके सीधी से गोंदवाली कर दिया गया। इस अलाइनमेंट परिवर्तन के कारण क्या हैं और क्या इससे लागत बढ़ी है अथवा घटी है? धन्यवाद। अगर बढ़ी है तो इसके लिए धन्यवाद जिम्मेवार कौन? धन्यवाद। सभापति जी, अवश्य ये प्रश्न मध्य प्रदेश का है, ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का है, मूल प्रश्न से लगावा नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट ललितपुर सतना रीवा सिंगरौली, एक ये वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट न्यू लाइन है देश की, 541 किलोमीटर की। इसका अलाइनमेंट जैसे जैसे ज़रूरतों के हिसाब से और विशेषकर इंडस्ट्री और पैसेंजर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और राज्य सरकार के साथ चर्चा करके अलाइनमेंट बीच में चेंज किया गया, उसके कारण कॉस्ट भी बढ़ी। लेकिन इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस अभी बहुत अच्छी है और इस वर्ष जो रिकॉर्ड एलोकेशन किया गया मध्य प्रदेश के लिए, उस रिकॉर्ड एलोकेशन के कारण इस प्रोजेक्ट में और भी प्रोग्रेस तेजी से होगी, ये मेरा विश्वास है। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती तो माननीय सांसद महोदय मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, उसको हम समाधान करेंगे। धन्यवाद। माननीय राम विचार नेताम जी, सर मेरा माननीय मंत्री महोदय से मध्य प्रदेश से ही कट करके हम छत्तीसगढ़ गए, वो इसमें पर सवाल मध्य प्रदेश का है। अधिकार बनता ही है महोदय, छत्तीसगढ़ के किन किन मार्गों का सर्वेक्षण किया गया, क्या उन मार्गों में चिरमिरी बरवाडी का लाइन भी सर्वेक्षित है, उसकी स्वीकृति की क्या स्थिति है? धन्यवाद। आप दे सकते हैं सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, माननीय हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर। तो ओपन डोर से माननीय हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री, माननीय मंत्री जी, सर आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। श्री केजे अल्फोंस। सर थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इवन दो आई हैव स्टार्ट क्वेश्चन लिस्टेड टुडे बट आई नो इट वुड नेवर कम अप डे फॉर टुडे, सो इट हैड द सेम फेट सर। थैंक यू सो मच सर। आई लिव इन द हार्ट ऑफ दिल्ली and I had one of these national carriers, that was my telephone. I couldn't get a call, so I had to come out of the garden to make a call. So today, past 1 week, I've been trying to make calls. I have possibly the biggest telephone operators in the country, and I use their phone. I can't get a telephone call through at all. Sir, in Cochin, where I go and live in the government guest house, it's right in the heart of the city. I can't get a call through. Sir, is it a problem with the spectrum? Or is it a problem with these service providers? Sir, Honorable Minister, would you kindly take steps to rectify this, please? Thank you. Prashna sir, TRAI se sambandhit hai. TRAI mein already quality of service ke liye ek special cell hai. Main manyavar sansad mahoday se nivedan karunga, us cell mein apni complaint rakhe aur TRAI uske upar vichar karegi.
Dr. V. Sudhasan. Whether government has any share in Vodafone, then if government sector one company is here. If yes, then please explain the details. Sir, टेलीकॉम सेक्टर एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है सर, पिछले कई वर्षों से, और उसके पीछे कारण क्या है वो हमारे मित्र अच्छे से समझते हैं। मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ। इन परिस्थितियों के कारण, गुजरने के कारण, आज डिस्पाइट हैवी ग्रोथ इन द टेलीकॉम सेक्टर, बहुत सारी कंपनियों की बैलेंस शीट, बहुत सारी कंपनियों की आर्थिक हालत में एक समस्या आई। अब सरकार का रेवेन्यू कहीं पे कॉम्प्रोमाइज न हो, सरकार का रेवेन्यू बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज न हो, फिर भी एक तरीके से एक ऐसा सॉल्यूशन निकले जिसमें इंडस्ट्री स्ट्रेंथन हो सके, ये सब विचार करके, बहुत ही सोच समझ के, इतना मेरे ख्याल से जो सितंबर के रिफॉर्म्स की बात जो आप कर रहे हैं, दैट्स वन ऑफ दोज वेरी वेल थॉट आउट, रियली गोइंग डीप इन टू द प्रॉब्लम एंड ब्रिंगिंग अप अ सॉल्यूशन वेयर government's revenue is not compromised at all. With that philosophy, those reforms were taken out. In that, one of the option which was given to the industry was that the interest which you have to pay for the 4 years, that interest can be paid either in you pay it or you give your shares in lieu of that. So that's the thought process with which that option was given. 3 companies have exercised that option, sir. We are examining the letters that they have given. Thank you. Shri Sujit Kumar ji. Sir, I am well aware of the various initiatives taken by the government to spread telecom revolution in remote and rural areas of India. Sir, the BharatNet project would be a good example, which is implemented to provide broadband connectivity to all the panchayats. But sir, even today, a quarter of the gram panchayats in the KBK districts of Odisha, which is largely tribal dominated and Naxal infested, are unconnected. They do not have telecom connectivity despite repeated reminders and question address in this house. So my request and question to Honorable Minister is, will he come out with a special scheme to expedite telecom connectivity in the KBK districts of Odisha? Thank you. 7,000 new telecom sites in the country, especially in areas which are not connected. And I'm so glad that Odisha, because of various historical reasons and because of some of the areas which are very difficult, especially the forested areas, KBK areas, which Honorable Member has referred to, 3,933 sites were sanctioned for Odisha. It's a great thing. I request Honorable Member that please approach the state government so that the sites can be easily given, can be quickly given. We can start raising the tower. And BharatNet, sir, in Odisha, the BharatNet project is implemented by the state government. I'll request the Honorable Member once again, please work through the state government so that the implementation can improve. Implementation is not at all satisfactory. Thank you. Question number 38, Maniya Kanak Medla Ravindra Kumar ji. Number 38. Maniya Mantri ji. Railway. It's related to railway. Sir, the answer is 38, sir. Yes. Answer is laid on the table of the House. First supplementary. Sir, as per item 18 of the schedule 13. Sorry, question hour is over. One more, sir. Question hour is over. Is supplementary. Over, please, no. Sorry. Whether there is time statements of the Public Accounts Committee, Sri Bhuneswar Kalitaji, please lay. Sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name. The reports of the Public Accounts Committee 2021-22, serial number 1 to 19. Thank you, sir. Thank you. Maniya Prasanna Acharya ji.